फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथ, उसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रह अभिन्यास। ग्रह अभिन्यास यानी कि होम असाइनमेंट। अब देखिए, होम असाइनमेंट कह सकते हैं या फिर हम ग्रह अभिन्यास या फिर इसे हम ग्रह कार्य भी कह सकते हैं। तो देखिए, ग्रह कार्य से क्या अभिप्राय होता है? ग्रह कार्य से अभिप्राय होता है उस कार्य से है जो विद्यार्थियों को घर पर पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। अब आपने देखा होगा कि चाहे हम विज्ञान विषय की बात करें, चाहे हम गणित विषय की बात करें, चाहे हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, मतलब हिंदी की बात करें, हम किसी भी विषय की अगर हम बात करें तो हर विषय में जो है विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। अब देखिए, गृह कार्य क्यों दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं जिस वजह से विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गृह कार्य जो विद्यार्थियों को दिया जाता है उससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वह अपने, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी उन्हें पढ़ाया गया है विद्यालय में कक्षा कक्ष के अंतर्गत, किस तरीके से जो है वो जो पढ़ाया गया है उसे उसका दोहरान भी आसानी से हो जाता है गृह कार्य के द्वारा, उसके समय का सदुपयोग भी हो जाता है। इसके अलावा देखिए, गृह कार्य जो होता है वह विद्यार्थियों को देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम विद्यार्थियों को जो भी कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं, जैसे कि आप जैसे सपोज करें हम गणित की बात करते हैं, तो जैसे मैंने विद्यार्थियों को जो है आज बीज गणित पढ़ाई। अब बीज गणित में जैसे हम सभी जानते हैं कि गणित विषय में जो है अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो विद्यार्थियों को अभ्यासरत रखने के लिए तथा दोहरान कार्य पूर्ण करने के लिए जो है ग्रह अभिन्यास या फिर हम कह सकते हैं कि गृह कार्य दिया जाता है। तो हम लिखते हैं कि ग्रह कार्य से अभिप्राय है। अब गृह कार्य से क्या अभिप्राय बताया है कि गृह कार्य से अभिप्राय है जो विद्यार्थियों को या फिर जो कार्य विद्यार्थियों को घर पर पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए गृह कार्य है, ग्रह का अर्थ क्या होता है? घर, और कार्य का अर्थ यानी कि विद्यार्थियों को जो है घर पे करने के लिए जो काम दिया जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे कि जो गृह कार्य होता है वह शाला समय में पर्याप्त गणित विषय वस्तु से जुड़ा कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होता है वह विद्यालय समय के अनुसार जो है गणित जो विषय है उसमें जो भी कार्य करवाता है वह हमारा विद्यालय समय में पूरा नहीं हो पाता। अतः विद्यार्थियों को अभ्यासरत रखने के लिए या अभ्यास कार्य के रूप में जो है नियमित रूप में गृह कार्य देना जरूरी होता है, ताकि विद्यार्थी जो है उसे करे, साथ ही में वह अपने उस जो भी अभ्यास कार्य उन्हें दिया जा रहा है उससे वह जुड़े रहें तथा कक्षा कक्ष में जो भी कार्य करवाया गया उससे भी जो है पूर्ण रूप से जुड़े रहें, उसके लिए जो है गृह कार्य दिया जाता है। तो देखिए, जैसे विद्यालय में हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी को जब गणित विषय में कोई भी सवाल करवाया जाता है तो गणित में शिक्षक जो है एक या दो या तीन, इससे ज्यादा सवाल वह विद्यार्थियों को नहीं करवा पाते, तथा विद्यार्थियों को अभ्यासरत रखने के लिए भी जो है गृह कार्य जो है दिया जाता है। तो यह होता है हमारा गृह कार्य। अब हम पढ़ेंगे कि गृह कार्य के क्या महत्व होते हैं, कि विद्यार्थियों को जो है गृह कार्य क्यों दिया जाता है, साथ ही में जो गृह कार्य दिया जाता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महत्व, गृह कार्यों के महत्व, जिसमें हमारा पहला महत्व यह आता है कि आवश्यक गणित कार्य हेतु विद्यालय में आवश्यक समय नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को जैसे मुझे लाभ हानि पढ़ाना है तो मैं लाभ हानि के प्रत्येक प्रश्न को जो है विद्यार्थियों को जो है विद्यालय के अंतर्गत सॉल्व नहीं करा सकती। तो जैसे मैंने कुछ जैसे मैंने एक क्वेश्चन विद्यार्थियों को लाभ का बता दिया सॉल्व करना, एक क्वेश्चन मैंने हानि का बता दिया, बाकी के क्वेश्चन में उन्हें क्या कहूंगी, आपको इनको जो है गृह कार्य के रूप में अपने घर से करके लाना है। अब जब विद्यार्थी स्वयं उस कार्य को करेंगे तो फर्स्ट चीज तो ये होगी कि विद्यार्थी करके सीखेंगे, दूसरी चीज ये होगी कि वो अपने अनुभव के आधार पर सीखेंगे, और तीसरी चीज ये होगी कि विद्यार्थी जो है उसे करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, वह है गणित कार्य
होता है। अब उस 30 मिनट 45 मिनट में जो है हम गणित विषय के प्रत्येक प्रश्न को हल नहीं करवा सकते, तो विद्यार्थियों को जो है स्वयं करने पर बल देने के लिए, साथ ही साथ दोहरान करने के लिए तथा उन्हें अभ्यासरत रखने के लिए जो है गृह कार्य दिया जाता है। फिर दूसरा हमारे इसमें पॉइंट आता है, वह आता है कि विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की भावना का विकास आसानी से किया जा सकता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना का विकास। अब देखिए, जब हम विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं घर से करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है, अपना गृह कार्य स्वयं करता है, जिससे उसमें स्व अध्याय करने की या स्व अध्ययन करने की भावना का विकास आसानी से विकसित किया जा सकता है। फिर इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वह आता है खाली समय, खाली समय का सदुपयोग। अब देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें जब गृह कार्य दिया जाता है तो वह अपने जो खाली समय होता है उसका उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने विद्यार्थियों को कहा कि आपको अभ्यास कार्य में जो है लाभ हानि के प्रश्न हल करके लाने हैं, अब जब वह विद्यालय से घर पे जाते हैं और अपने खाली समय में होते हैं तो वह उसका उस गृह कार्य को करके जो है लाभ हानि कैसे निकाली जाती है, किस प्रकार निकाली जाती है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित नहीं होगा तब तक वह अपने समय का भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। फिर हमारा फोर्थ जो महत्व आता है, वह आता है कि विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सकता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, करके सीखने तथा स्वानुभव पर आधारित। अब देखिए, गृह कार्य जब हम विद्यार्थियों को देते हैं तो वह करके भी सीखते हैं, साथ ही उनमें जो है स्वाध्याय का अनुभव, मतलब हम कह सकते हैं कि स्व अनुभव भी उनमें विकसित किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे विद्यार्थियों को हमने गृह कार्य दिया तो विद्यार्थी क्या करेगा, अपने घर पर जाएगा, उसे करेगा, किस प्रकार से मुझे समस्या का हल निकालना है, कैसे निकालना है, इन सभी चीज़ों पर वो क्या करेगा, विचार करेगा तथा उसे पूर्ण रूप से जो है करके सीखेगा और उसमें जो है उसे करने का अनुभव भी विकसित हो सकेगा। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है, वह आता है अभिभावकों की विद्यालय से निकटता। अब देखिए, अभिभावकों की जो है विद्यालय से आसानी से निकटता भी जो है गृह कार्य के माध्यम से करवाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया, अब अगर कोई विद्यार्थी उस गृह कार्य को नहीं करता है तो मैं क्या करूंगी, कंप्लेन करूंगी तथा उसके अभिभावक जो होंगे उन्हें बुलाऊंगी। या फिर उसका हम दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं, जैसे मैंने विद्यार्थियों को जो है गृह कार्य दिया या आपने विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, जैसे अभिभावक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के उस गृह कार्य को जो है रूटीन में जो है चेक करना कि बच्चे ने किया या नहीं किया, तो इस तरीके से वह विद्यालय की जो एक्टिविटियाँ होती है उनसे भी जो है उनके समीप भी आ जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि गृह अभिविन्यास क्या होता है, इसके क्या महत्व होते हैं तथा हमने जाना कि किन महत्वों के कारण जो है गृह कार्य होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो भी आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपका आज का होमवर्क है, गृह अभिन्यास से क्या तात्पर्य है तथा इसके महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो यह है कि गृह अभिन्यास से क्या तात्पर्य है,
तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।